अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिरने लगे हैं रूम में, कलर पूरा रूम में सही है, तो इस पूरे रूम में अभी आज हम कलर करने लगे हैं। तो सामान सारा उठा रही हैं, देखिए चीज़ें पड़ी हुई अंदर, तो ये सारा सामान उठा रहे हैं। सामान ये सारा बाहर रख के तो फिर कलर मिक्स करते हुए दिखाते हैं, हर चीज़ करते हुए दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये क्या हो रहा है शादी? ये देखें जी भैया क्या हो गया कलर करके, तो ये तो लंच पूरा हुआ। ये देखें कलर की मैंने इस साइड पे येलो और वो देखें पिंक है और ऊपर वाइट है सारा। आपको दूसरे कैमरे से बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखें ये सारा येलो, छत वाइट की है, साइडों पे पिंक की है। देखें अभी गंद कितना बुरा हुआ नीचे, सारी सफाई करनी है। देखें ये कलर मिक्स किए थे, इसमें येलो बना रहा है। ये देखें येलो है, तीन बाल्टी अलग कलर की इधर एक रूम में, क्योंकि दीवार है ऐसे ही ना पहले जैसे वो बाहर से नहीं है, पहले नहीं था पेंट हुआ। ये देखिए वाइट है और ये है पिंक। ये क्योंकि कल ये कलर ख़त्म हो गया था तो कल फिर छोड़ दिया था, फिर ये दीवार आ गई बीच में से, ये देखें खाली ये जगह, तो अभी ये साइड पूरी दोबारा से कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको मैं धोवाऊँ ये बाल्टी को, इसमें येलो कलर मिक्स किया था तो अभी इसमें वो कलर डालना है, तो इसको धो के फिर मैं दोबारा इसमें करता हूँ, तो आपको ही दिखाता हूँ अभी कलर करके। कल काम बहुत है इसलिए दिखा नहीं सका, अभी दिखाता हूँ आपको ये कलर करते और सफाई करते पूरा घर की। ये कलर डाल के येलो बाल्टी में कलर हो रहा है। ये कलर वापस डालूंगा
ब्रश लगाएंगे पूरा या फिर चारों तरफ तो ना बाद में इसको भी बस ज्यादा पानी फेंगे यहाँ पे तो सारा धोएंगे फिर वो छत से सीढ़ियाँ साफ से साफ करके सारा सामान को रखेंगे तो कमरे का सामान कमरे में रखेंगे कमरा साफ हो गया माशाल्लाह। अब ये सारा साफ कर लिया ये बाहर से रह गया अभी थोड़ा सा। अब ये पूरा कंप्लीट साफ करके सेटिंग करके आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। ये देखें जी ये सेटिंग की है दोबारा अभी सारा साफ किया सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और अभी आपको कमरा भी दिखाते हैं। ये देखें सारा कमरा माशाल्लाह तैयार हो गया कल से लगे हुए आज सारा कंप्लीट हुआ है। ये सारा कमरा तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।